फैंसी गार्मेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। असल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यह है कि जनता कोऑपरेटिव विंग का जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी था। और इन ये चार लोग जो थे ये बचे हुए थे बैंक से कर्जा लेने के बाद, जो कि आज इस बात पे ये तैयार है कि भाई इनका जो सेटलमेंट हो जाता तो ये तमाम के तमाम जो है उसको उसके आपके जो भी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा भी तय करेंगे वैसा ये कर और की बात को ख़त्म करेंगे और आगे जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता बैंक की तरक्की के लिए, जनता बैंक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे तमाम मामलों में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा के पूरा ताउन करेंगे। उसमें हमारे जो बहुत पुराने जो है यासीन जवाहिर उनकी भी काफ़ी मेहनत है, तो मैं आगे जो है वो बात करने के लिए मुकादम को दरख्वास्त करूँगा। उससे पहले मैं आप तमाम लोग से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हाँ मुकादम कि भाई दुआ करें कि हमारे मामलात अच्छे तरीके से इसी तरह के चले और मुस्लिम की जो माइनॉरिटी की एक बैंक है जो कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, लेकिन हमारे आपस में कुछ गलत फहमियों की वजह से हमारे अपने लोग हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, उसको किस तरीके से हम नज़दीक कर सकेंगे, उन तमाम बातों को लेके जो है आज की इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मैं सबसे पहले जनता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जो है अलीमुद्दीन नास साहब, पिछले हमारे इलेक्शन के पीरियड में कुछ लोगों की गलत फहमी की वजह से या किसी के बहकावे में आकर कुछ लोगों ने वहाँ पर हम पर इल्ज़ाम लगाया था, ख़ास तौर से यासीन बागला साहब, इम्तियाज़ अहमद, एस के सलीम और अतिथि के, ये लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि भाई मैं इनके साथ ज़्यादती करता हूँ और हमारे बोर्ड के और तमाम बैंक के उस पर एक इल्ज़ाम था कि हमने तीन लोगों की नंबरी रद्द करने के लिए दिल्ली से दिल्ली तक तकरीबन 25 लाख रुपया हमने खर्चा किया है और कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पीए को एक भारी रकम देने की हमने ऑफर की है, ये हम पर एक इल्ज़ाम था और मीडिया के ज़रिए जनता बैंक बुनकरों की दुश्मन ऐसी हेडिंग लगी थी, उसी की वजाहत के लिए रखी गई है कि भाई उसकी वजाहत हो जाए, जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था उस पर माजरत करें कि भाई हमसे गलती हुई, ताकि हम उनके ऊपर आगे मानहानि का कोई दावा ना कर सके। और जनता बैंक जैसे बुनकरों की पहले थी आज भी है और जो हमसे कोऑपरेशन होगा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उसको हल करने की, हम कोई किसी के दुश्मन नहीं है। ये इलेक्शनी पीरियड था और इलेक्शन में ये सब कैसा है, जो जीता वो सिकंदर वाला मामला रहता है, तो इलेक्शन का हम भी समझते हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम बहरहाल एक जनता बैंक के ऊपर एक ठप्पा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर ऊपर एक ठप्पा था, उसकी धुलाई होना जरूरी था, इसके लिए हमने ये वो आज की बात रखी गई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सामने जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उसकी वजाहत करें। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अलीमुद्दीन नाज, रशीद सेठ यौले आले, डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी, अजीज़ मुकादम और तमाम ही यहाँ जमा लोग, हम चार लोगों का टप स्कीम के अंदर जो कर्ज़ा भरने की नौबत से बैंक में कुछ मसाइल चल रहे थे, तो उस ताल्लुक़ से यासीन जवाहर साहब ने उसमें इन्वॉल्व हो करके जो भी हम लोगों की गलत फहमियत थी तमाम ज़िम्मेदारों को हमसे मिलवाया, उनकी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, हमारी जो सब तकलीफ थी उनके सामने गई, तमाम गलत फहमियाँ दूर होने के बाद मुकादम ने कहा कि भाई आप लोगों की तरफ से भी इलेक्शन के अय्याम में जो कुछ गलतियाँ हुई है उसका सुधारना होना बहुत ज़रूरी है, उसी की निस्बत से आज हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा, जो बात उनको इदारे की तरफ से उनका कहना था कि इसकी सफाई होना चाहिए, मुकादम साहब ने, डॉक्टर साहब ने भी कहा, रशीद सेठ यौले आले,
तो ख़ास तौर से मुझसे जो वहाँ पर गलतियाँ हुई थी कम मालूमात की वजह से, उसकी मैं तमाम जिम्मेदारों से माजरत चाहता हूँ और इन लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि हम लोगों के जो मामलात है, हाँ 25 लाख की जो बात थी वो कम मालूमात की वजह से, गलत फहमी और कम मालूमात की वजह से उसको कहा था मैंने, वो बात वापस लेता हूँ, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जिम्मेदार जिन लोगों से अभी तक का हम लोगों ने ताउन नहीं लिया था, हम लोगों का मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन जब हम इन लोगों के करीब गए तो मालूम हुआ कि ये शख्सियात क्या है और किस कदर कोऑपरेटिव हैं। यासीन जवाहिर के ताल्लुक से जब इनसे मिलना हुआ, हम लोगों ने अपनी तमाम मुश्किलात इनके सामने रखी, तो उम्मीद से बढ़कर इन लोगों ने हमारा ताउन किया। और ख़ास तौर से तीनों हजरात, इनकी भी शान में मुझसे कुछ गुस्ताखियाँ हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने और अलीमुद्दीन साहब ने आज़ाद कर दिया। दरअसल इलेक्शन के एग्जाम में मैं ज़ाती तौर पर यह मानता हूँ कि एग्जाम तराशियाँ बदगुमानियाँ होते रहती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक साथियात से हो जाता है, अदारे से हो जाता है, तो बातें जल्दी बुलाई नहीं बोलती। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में 40 साल सियासी समाजी जिंदगी में बहुत तरह तरह लोगों से हमारा रास्ता हुआ है, मुबाद परस्त लोगों से, एहसान परामोश लोगों से, है ना, और जिनको हमने बढ़ चढ़ कर चाह करा उनके मुँह से भी अल्फाज निकलते रहते। हम लोग मुसलसल 4 हफ्ते से यासीन जवाहिर साहब के कहने पर इनके साथ मीटिंग की, अलीमुद्दीन साहब के साथ मीटिंग की, अलीमुद्दीन साहब ने डायरेक्टर हजरात के साथ मीटिंग की। क्यों? ये एक शख्स का मामला नहीं था, एक अदारे पर, एक अदारे के सरबराह पर एक किस्म का इल्ज़ाम था। तो इनको जब सब बातें तफसील बताई, मतलब डॉक्टर साहब ने परसों आधा घंटा बहुत तफसील बताई कि भाई देखो सब अपने हैं, इलेक्शन में कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ, लेकिन ये जो जातियात का मामला है इसको आप लोग खत्म करो। यार मेरी एक गुजारिश है चेयरमैन अभिजीत साहब से कि यार वो कोऑपरेट करके इनको इस बियाज के दलदल से निकालें।